प्रधानमंत्री कौन है? अभी तो नरेंद्र मोदी है सर। आगे वही रहेंगे, कोई और रहेगा? वही रहेंगे, और कौन रहेगा। सरकार किसकी बना रहे हैं आप? सरकार मोदी जी की बना रहे हैं। उधर लोग बहुत परेशान है, कह रहे हैं कि भाई महंगाई है, ईवीएम में गड़बड़ है, ठीक है जिसको लग रही है उसको लग रही है। आपके हिसाब से सही है? आपके हिसाब से मोदी जी सही है? मोदी जी विपक्ष में कोई मजबूत तो रहना चाहिए, सब इंडिया गठबंधन में सबको ही बनना है तो कैसे मालूम चलेगा? बहुत दुलाव हो गए हैं इंडिया गठबंधन में। तो अपना पहले बंगाली तो संभाले, बंगाल में इतना रेप हो रहा है अभी देखिए ना, उनके एक मंत्री जी पकड़ा है। अच्छा ही है जो चल रहा है, यही चले। हाँ चले तो अच्छा है। लखनऊ वाले क्या कहते हैं? लखनऊ वाले क्या कहते हैं, ये इतना काम हो रहा है, अच्छा ही हो रहा है, हर कुछ अच्छा ही हो रहा है जी। क्या अच्छा हुआ है हमें बताइए जरा। क्यों क्या अच्छा नहीं हुआ, हमारे हिसाब से तो हर कुछ अच्छा हो रहा है। महंगाई तो देखो, अगर कांग्रेस भी रहती जब भी महंगाई होती, जब कांग्रेस है जब गेहूँ सस्ते रहे, अब गेहूँ भी महंगे हो चुके हैं। ऐसा तो है नहीं कि, क्योंकि किसान के लिए कर रहे हैं ये लोग, ऐसा तो है नहीं कि किसान को कुछ मतलब सस्ता हो रहा हो और जो सरकारी चीज महंगी हो रही हो, सब कुछ महंगा हो रहा है। ये बदलाव नहीं करेंगे क्या? कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं महंगाई है, बेरोजगारी है, ईवीएम में धांधलेबाजी है, कैंडिडेट अच्छा नहीं आता है। ना ईवीएम में धांधलेबाजी है, ईवीएम में धांधलेबाजी नहीं, जो कह रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं, सही है मोबाइल सही है, जो कुछ क्रांति आई है देश में वो सब सही हो रहा है। भेजने क्रांति ले लीजिए, चिट्ठी भेजने के लिए अब हाल चाल जुड़ते मिल जाता है, पहले कहाँ मिलता था। जैसे मोदी जी के रात में आया, वो देवता है, देवता आज के युग के देवता है। कहाँ से हैं आप भाई जी? कानपुर से। कानपुर से? क्या हवा पानी है कानपुर में? हवा पानी ठीक है। 13 मई को चुनाव है। हाँ। क्या सोचे इस बार? इस बार हम वोट नहीं डालेंगे। नोटा नोटा वोट क्यों बर्बाद करोगे? वोट हम नहीं डालेंगे, नहीं डाले जाते। ना उम्मीद है क्या बीजेपी कांग्रेस दोनों से? हमसे किसी से मतलब नहीं, हमको सरकार से कोई फायदा नहीं। अगर कोई वोट ही नहीं डालेगा लोकतंत्र कैसे बचेगा? हमको तो भाई मोदी ठीक लग रहा है। हाँ। और तो बगल वाले भैया कह रहे हैं बेल्ट वाले की बदला कुछ भी कहे, हमारे लिए तो योगी मोदी ठीक है। क्या किए तुम्हारे लिए चाची? हमारे लिए बहुत कुछ कर दिया, जैसे हमको गरीबों को राशन भी मिल रहा है। चलो हमें नहीं मिल रहा, हमारा राशन कार्ड नहीं है, तो हमारे और भी गरीब भाई हैं उनको मिल रहा है। उन्होंने एक हमारे लिए बहुत अच्छा वो कर दिया, जो 500 साल की मंदिर बन गया हमारे लिए है। हम लोगों को बहुत ज्यादा खुशी है इस बार, किसी को जो दुनिया को चाहे मरे या जिए, हम तो मोदी को देंगे वोट। राशन 5 किलो राशन, देश देश कहाँ जा रहा है ये हम नहीं देख रहे हैं। सब कुछ हो रहा है, रेल यहाँ घाटे में चल रहा है। ये जो भाई साहब कह रहे हैं ये बात सोचने लायक है। जैसे 5 किलो राशन दे रहा है सरकार, ठीक है उसका काम वो दे रहा है, जीता है हम लोग भी वोट दिए उसको, वो जीत गया। 5 किलो दे रहा है, 5 किलो मतलब क्यों नहीं दिए थे मोदी को? दिए थे हम लोग, सब लोग उसको वोट दिए थे। हमारे गांव में सब लोग मोदी को वोट दिए थे, हम भी वोट दिए थे। हमारा तरफगंज है, गोंडा जिला से। सरकार को भी और कुछ जो है गरीबों का लाभ जो होना चाहिए, और कांग्रेस आएगी तो मिलेगा लाभ। कौन कांग्रेस? कांग्रेस कांग्रेस अभी मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ मैडम, अभी किसी के बारे में कुछ नहीं। अच्छा ही रहेगा, सरकार बदलना चाहिए। आई भाई के आई, क्या हुआ? कौन आएगा? राहुल गांधी आएंगे तो अच्छा काम होगा, इस सरकार से बढ़िया बेहतर काम हुआ है अगले सरकार में। क्या चाची राहुल गांधी? भाई हमें तो कुछ लग नहीं रहा बेटा, रोजगार कुछ भी नहीं है। अभी मैं एक साल में बम्बई में था, जितना कमाया सब पूरे घर के खर्च में लग गया। अभी 150 रुपए सिर्फ हमारे जेब में है, घर तक पहुंच जाऊंगा बस, इसके आगे तंबाकू चीरूंगा और कमाऊंगा और खाऊंगा। सही बोल रहा हूँ, कुछ सरकार को सोचना चाहिए, ये भी उसकी जिम्मेदारी है कि जो है हमारी जनता है हमें जिताया है। तो अभी हम बताओ इतना 1600 किलोमीटर बम्बई जाते हैं, यहाँ की सरकार अगर हमें यहाँ कोई रोजगार दे दे तो हम इतना दूर क्यों जाए? तो कौन सरकार आएगी कि थोड़ा मामला ठीक होगा? जो वो रहे फिर वो कुछ नहीं किए। क्या कह रही चाची? कौन सरकार आ के क्या देगा? ये फ्री राशन गल्ला दे रहे हैं क्या? मेहरबानी नहीं कर रहे इन कांग्रेस का मापत कोई है नहीं, काली वो दे रहे मेहरबानी कर। साठ सारा सब डुबा के रख दिया गरीब लोगों के पेट को लात मार के, अच्छा नहीं हुआ। फिर अभी गरीब को एक दो पैसा कांग्रेस लोग देता था पेट भरता था, अभी एक पैसा नहीं देता।
तो बंबई से पूर्वांचल की तरफ गोरखपुर की तरफ जाने वाली अंत्योदय एक्सप्रेस, और लोगों ने बड़े एक्सप्रेसिव तरीके से अपनी राय रखी, बता दिया कि इस बार के चुनाव में क्या क्या मुद्दे उनके जहन में रहने वाले हैं। ये बात और है, ईवीएम की मशीन के सामने खड़े होकर के वो क्या एन मोमेंट पे सोचेंगे, इसका बस अंदाजा ही लगाया जा सकता है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।